नमस्कार मैं हूं नंदिनी आप देख रहे हैं फुलझड़ी केंद्र सरकार गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के आईओएस जैसा ही एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करवाने पर विचार कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इसके लिए सरकार कई नई नीतियां भी बना रही है जिसमें देश की एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में मदद की जाएगी हालांकि इस वक्त मोबाइल फोन की दुनिया में दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम का बोलबाला है पहला गूगल का एंड्रॉयड और दूसरा एप्पल का आई मंत्री ने बताया है कि ये कंपनियां हार्डवेयर इकोसिस्टम को प्रभावित भी कर रही हैं इसलिए सरकार अपनी नई योजना के जरिए गूगल और एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता कम कर लोगों को एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म देना चाहती है चंद्रशेखर ने कहा कि अभी कोई भी तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऐसे में केंद्र सरकार के पास ये सुनहरा मौका है कि हम एक हैंडसेट ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करवाने में मदद करें हम लोगों से बात कर रहे हैं हम इसके लिए नीति भी बना सकते हैं उन्होंने कहा कि सरकार स्टार्टअप और एकेडमिक इकोसिस्टम में ही स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम की विकसित करने की क्षमताओं को ढूंढ रही है हालांकि किसी भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसका आधारभूत सॉफ्टवेयर होता है इसी आधारभूत सॉफ्टवेयर पर बाकी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की नींव रखी जाती है उन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी के साथ उद्योग निकाय आई यानी इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन द्वारा तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के दृष्टिकोण पत्र का दूसरा हिस्सा भी जारी किया संगठन के सदस्यों में एपल डिक्सन आदि शामिल है वहीं दस्तावेज में देश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 75 अरब डॉलर के मौजूदा स्तर पर 2026 तक 300 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचाने को लेकर रूपरेखा पेश की गई है चंद्रशेखर ने आगे कहा कि रिपोर्ट बहुत सटीक है जो बताती है कि 300 अरब डॉलर कहां से आएंगे उद्योग को क्या करना है और सरकार क्या करना है वहीं पर यह एक उदाहरण है कि किसी उद्योग और सरकार को देश के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए उत्पादन 300 अरब डॉलर निर्यात पर 120 अरब डॉलर का होगा यह अब सरकार का उद्देश्य है बता दें कि मौजूदा समय में देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 15 अरब डॉलर का है आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद